अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार बेगम हूँ। मैं बेगमपेट प्रकाश नगर अरखा मस्जिद के पास रहती हूँ। मैं, ये हमारे हस्बैंड है कि उनके ट्रीटमेंट क्या से मैं अमजदुल्ला सर के पास आई थी। मैं के उन्होंने बोले कि पहले बताओ, बोले तो मैं क्या करी, पहले तो उस्मानिया को गई, वहाँ पे बताए तो उन्होंने क्या बोले कि गोलियों से कम होगा, बोल के बोले ठीक है अच्छी बात है, बोल के फिर मैं गोलियों से इलाज कराई, 3 महीने कराई तो भी मेरे को नहीं कम हुआ इलाज से। फिर वहाँ से मैं गांधी को गई हुई हूँ, वहाँ पे भी गए तो उन्होंने 6 महीने बोल के बोले ठीक है, बोल के वहाँ पे भी कराई, वहाँ पे भी नहीं हुआ। आखिरी में मैं यहाँ पे आई सर के पास, कुछ हमको मदद करो बोल के, तो सर बोले कि जर्मनटन हॉस्पिटल को जाओ कि वहाँ पे आपको वो देखते हैं। ठीक है बोल के मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने की वजह से उन्होंने क्या बोले कि बॉल चेंज करना पड़ता, 2 साल से इनकी तबीयत ख़राब है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन के काम करने से वजह से क्या हो गया, वो ऊपर नीचे चढ़ने से बॉल ख़राब हो गया, बॉल ख़राब होने से 2 साल से उन्होंने घर पे है, वो वजह से बोल के मैं यहाँ पे। तो उन्होंने 1,80,000 का ख़र्चा मेरे को बता रहे कि ऊपर गोलियों का उसका अलग बता रहे कि 20,000 रुपये, कि मेरे को मदद चाहिए, हम लोग के घर में कोई भी कमाने वाले नहीं है, इन्हों एक ही जने हमको कमाना तो खाने का हिसाब था हम लोगों के पास, अब हम लोग दूसरा कोई सहारा नहीं है, घर का किराया व सब भी देना है हमें, के साहब के पास आई मैं, अब कोई भी हम लोगों का वीडियो देख रहे, अमजदुल्ला खान साहब के पास आई हुई हूँ मैं मदद लेने के वास्ते, जो भी हमारा वीडियो देख रहे जल्द से जल्द हम लोगों की मदद करिए।